नमस्कार साथियों और मित्रों, आप सबका हमारा चैनल जॉयदीप और मधुचंदा स्टोरीज पर स्वागत है। हमारा त्र्यंबकेश्वर महाकाल दर्शन के बाद हम अब नासिक शहर में स्थित श्री कालाराम दर्शन करने जा रहे हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में स्थित है। नासिक शहर एक बहुत पुराना शहर है, जो वेद पुराण के समय से ही बहुत धनी, संपन्न और उपजाऊ थे, और आज नासिक एक धार्मिक और इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। और ये है पंचवटी एरिया, जहां पे हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। ये पुल जो है, ये गोदावरी नदी का पुल है, और अब दिखाते हैं आपको गोदावरी। नासिक शहर के बीचों बीच से बहती हुई ये गोदावरी नदी कई दिनों से मानसून हेतु अपना रुद्र रूप धारण कर बह रही है, जिसके कारण पंचवटी के घाट और कई पुराने मंदिर इस समय डूबे हुए हैं। ये वही गोदावरी है जहां कालाराम मंदिर के ब्राह्मणों ने श्री राम के मूर्ति संकुलन को फेंक दिया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सत्य है। क्यों किया था ये आपको हम थोड़ी देर बाद बताते हैं मंदिर के प्रांगण से। घाट यही है जहाँ पे नहाते, वो सीढ़ी बना हुआ है देखो इधर। ये है पंचवटी घाट, रामकुंड है ये पंचवटी में। बारिश की वजह से गोदावरी पूरी एकदम अपने फुल पावर में है। मैं इससे नीचे नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। ये नासिक शहर के बीचों बीच यहाँ पे ये गोदावरी पंचवटी के भीतर के रास्ते थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो गूगल मैप्स पे भरोसा बिल्कुल ना करें। आसपास के लोगों से पूछते हुए आगे बढ़े, क्योंकि गूगल मैप को भी अभी तक सब जगह पता नहीं है, क्योंकि पंचवटी बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। भैया, पंचवटी मंदिर जो पंचवटी जो मंदिर है, पांच पीपल पेड़ वाला, सामने पार्किंग है। बस बस बस, यहाँ पे लगा दो। कालाराम मंदिर पहुंचते ही देखा कि उसके बाहर हर प्राचीन मंदिर की तरह यहाँ भी कई लोग फूल और प्रसाद लेके बैठे हैं। हम तो हमेशा ही वोकल फॉर लोकल हैं, इसलिए इन्हीं से हम खरीदेंगे। आप अपने जूते इनके पास छोड़ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। सिंदूर नहीं चाहिए होगा? सिंदूर दस्ता। मंदिर के प्रवेश द्वार एक अद्भुत मिश्रण बन चुका है, प्राचीन पत्थर और आर्किटेक्चर के साथ आज के जमाने के सिक्योरिटी एडिशंस। अच्छा है या बुरा है पता नहीं, आप लोगों का राय जानना चाहेंगे हम लोग। और ये जो लुक है, ये शायद लुक को खराब करता है, लेकिन सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हमको बताइए कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रवेश करते ही सबसे पहले हनुमान जी हैं, जो श्री राम की ओर देखते हुए विराजमान है। इस मंदिर का ये अद्भुत आर्किटेक्चर है, जहां हनुमान जी और श्री राम का जो मूर्ति संकुल है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। प्रधान मंदिर में कुल 14 सीढ़ियां है चढ़ने के लिए, जो श्री राम का 14 वर्ष वनवास को दर्शाता है। है ना अद्भुत?
जय श्री राम। वैसे तो ओरिजिनल मंदिर 7वीं शताब्दी का है और यहाँ रखी हुई राम मूर्ति का संकुलन कम से कम 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वातावरण ही कुछ ऐसा है कि आप अपना खुद का अध्ययन यहां बैठ के कर सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर को कई साल पहले मुगलों ने तहस नहस कर दिया था और मुगलों ने जब मंदिर पर हमला किया था तब ब्राह्मणों ने श्री राम लक्ष्मण और सीता के मूर्ति के संकुलन को गोदावरी में फेंक दिया था ताकि उनके अपवित्र छाया उन पर ना पड़े। कई वर्षों तक ऐसे ही खंडहर हालत में पड़े रहने के बाद एक दिन एक महान सरदार आया जिन्होंने सपने में देखा था कि श्री राम की मूर्ति गोदावरी में है। फिर क्या, उन्होंने मूर्ति खोजी और सरदार रंग राव उदेकर ने अपने नेतृत्व में इस प्रेजेंट कालाराम मंदिर को काला पत्थर और लाइमस्टोन से बनाया। चारों तरफ ये जो आप गृह दिख रहे हैं इनमें कुल 84 पिलर्स हैं, जो पृथ्वी पर 84 लाख प्रजातियों को दर्शाता है। सन 1788 में रिकंस्ट्रक्शन हुआ था इस मंदिर का और पूरे नासिक वासियों ने खुलकर समर्थन किया था, जिसके कारण आज भी ये मंदिर में 24 घंटा भक्तों के लिए खुला रहता है। कई भक्त आकर यहाँ रामायण पाठ करते हैं, कई यहाँ राम कथा भी सुनने आते हैं। हिमादपंथी आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो करते हुए ये मंदिर प्रांगण में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आश्रित किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश बाकी प्राचीन मंदिरों की तरह भारतवर्ष में पता नहीं ये कालाराम मंदिर और कितने सारे इतिहास अपने अंदर दबाकर बैठा होगा। और इसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए शायद हमको किसी बड़े महर्षि के साथ बैठना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब हमारा भारत देश का कल्चर है जो जानने के लिए हमको और आगे बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस सारे भक्तजनों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मंदिर के प्रांगण के आसपास कृपया थोड़ा सा सफाई रखें। चलिए आज इतना ही। भारत दर्शन, भारतीय इतिहास और भारत के ओरिजिनल कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जॉयदीप और मधुचंदा को अनुमति दीजिए। हमारा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, हमें बहुत इंस्पायर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको अगर आपने ये देखा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी।